गलत सलत बोल रहा, चलो बोलने तो कोई बात नहीं, उंगली उठेगी तो पीछे ही जाएगी। गाइस एल्विस अदब काफी ज्यादा गुस्सा है आसिम रियाज पर। दरअसल एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें आसिम रियाज ने एल्विस अदब को डायरेक्टली मिडिल फिंगर दिखाया और उनके बारे में काफी गलत बोला। पहले आप वो क्लिप देखिए। तो लाइव आके नंबर गिन के सारे मैंने ये चीज देखी, बिग बॉस 13 के बाद सारे जो भी आ रहे हैं ना सबको मैं शुक्ला के रिकॉर्ड तोड़ना है। उनको समझा दो नहीं हो पाएगा। उसी पर रिप्लाई करते हुए एल्विस अदब आज अपने व्लॉग में कुछ ये कहे। तो एक मस्त चीज हाथ आई है मेरे, तो मतलब हाथ तो आई ना, अभी हाथ आ गए तो गलती हो जाएगा। नाम नहीं लूंगा मैं, पर हमारे बिग बॉस के कुछ एक्स कंटेस्टेंट जिनकी मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी नज़रों में भी है, थी, आई डोंट नो, मतलब है ही एक तरीके से, नहीं है वैसे। भाई भाईयर का यार टाइम चला गया, भाईयर अब क्लाउट लेने के लिए देखो गलत सलत नाम ले रहे हैं और फिर मिडल फिंगर वगैरह दिखा रहे हैं। एक भाई है हमारे कहीं क्लब क्लुब में जाकर कुछ कुछ कहता बताया मेरे बारे में, अरे नुकर। मैंने देखी आज वीडियो, आज ही देखी मैंने वो पहले की वीडियो, मतलब एक दो दिन हो चुके शायद उसको, आई डोंट नो, बट मेरे पे आज किसी ने भेजी, ऊपर चढ़ानी है ना ऊपर कि एल्विस भाई देखो ये क्या क्या कह रहा तुम्हारे बारे में। मैंने खोल के देखी, मुझे यकीन नहीं हुआ पहले, फिर मैंने देखा मैंने कि ओके ओके, तो भाई ने मिडल फिंगर दिखाई। देखो यार हम कॉन्ट्रोवर्सियों से बहुत दूर है ना, किसी का नाम लेते अब कि भाई वो ख़राब कर रहा ये कर रहा वो कर रहा, हम अपने से मतलब रखते हैं कि भाई हम अच्छे से ग्रो करें, ये नहीं कि टाइम चला गया तो जिस टाइम चला गया तो हाथ मारे आ गया कि किसी को गाली पक देता हूँ, ऊपरली साइड से वो ऐसा कुछ होगा तो हाइप आ जाएगी। इन चीज़ों से मैं थोड़ा ऊपर बढ़ गया, तो देखो कोई गाली गलौज तो मैं दूंगा नहीं, भाई यार भाई थोड़ा गंदा हो रहा हमारे लिए, वैसे मुझे पता नहीं क्यों हो रहा, बट गलत सलत बोल रहा, चलो बोलने तो कोई बात नहीं, पर हमारा तो नहीं कि भाई हमारा आगे करके दिखाओ, ये सब सेम चीज़ है, सामने करो तो मज़ा भी आया है ना, हमारे सामने करो तो हम देखें अभी ढंग से कौन सी उंगली उठ रही है कौन सी दबानी है। उन्होंने कहा था उंगली उठेगी तो पीछे ही जाएगी, सामने उठाई तो ऐसे तो कुत्ते दुनिया जगह भौंक है भाई, और ना हमने किसी से लेना देना ना हम किसी की बुराई करते, पर अगर कोई फालतू फंड की बकवास करा फिर हम छोड़ते भी नहीं, पर सीधी बात है भाई अगर करनी है तो देखो सामने बकचोदी करो, पीठ पीछे तो ये देखो मुझे अच्छा नहीं लगता, ना हम किसी के बारे में गाली बकते पीठ पीछे ना कुछ, इतना ही था तो मैसेज कर देता, इतनी खुड़ा कर चलन हो रही थी तो, पर कोई बात नहीं, मुझे लगता नहीं कि उसके दिमाग है इतना उसको ये सब चीज़ें समझ आए, घना वॉयलेंट है हमारा भाई, घना वॉयलेंट है, तो हम तो भाई सीधा कह रहे हैं कि मारे आगे आके कर दो, हम देख लेंगे बाकी। गाइस इस पर आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट जरूर बताना।